बलिया के बेरिया विधानसभा में दो पाटीदारों के बीच जमीनी विवाद बढ़ गया और विधायक और सांसद के बीच भी विवाद बन गया। बेरिया विधायक सुरेंद्र सिंह, उनके बेटे और परिवार के दो अन्य सदस्यों पर मारपीट का मुकदमा दर्ज हो गया है। वहीं विधायक ने अपने ऊपर मुकदमा दर्ज होने में अपनी ही पार्टी के सांसद पर साजिश करने का आरोप लगाया है, लेकिन नाम लेने से बचते रहे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सांसद की साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा, संदर्भ में मुख्यमंत्री योगी जी से मिलूंगा और अगर न्याय नहीं मिला तो जेपी की भूमि से निकालूंगा न्याय। ये सब मामला बेरिया के सोनबरसा तिमोहनी के पास वाले दो पाटीदारों के बीच जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें दोनों पाटीदारों के एक एक तरफ के सांसद और विधायक पक्षधार हो गए हैं, जिसके बाद ये मामला और भी विवादित हो गया है। दो बड़े कद के लोग इस तरह के मामले में जब जुड़ जाते हैं तो मामला भी राजनीतिक हो जाता है। एक पक्ष आपका है और दूसरा पक्ष सांसद का है, ऐसा है क्या? देखिए, पक्ष तो दोनों भाजपा का है, लेकिन मेरा पक्ष ईमान का पक्ष है, मेरा पक्ष गरीब का पक्ष है, मेरा पक्ष कमजोर का पक्ष है, बस यही अंतर है। और उन लोगों का पक्ष क्या है वो लोग जाने, भगवान जाने। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दोनों ही भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इसमें कोई सर ऐसे जनप्रतिनिधि आपकी पार्टी को कहाँ लेके जाएंगे? अब वो भगवान जाने, वो खुद कहाँ जाएंगे और भगवान पार्टी को कहाँ ले जाएंगे तो वो जाने। विधायक जी एक सवाल, कल जो बड़क है जो पिस्टल ताना था लहराया था, उसने एक वीडियो वायरल किया है कि जो ये घटनाक्रम हो रही है, विधायक जी के परिवार उस आदमी को बीच चौराहे पर मार रहे थे, मैंने उस विधायक जी के परिवार से पिस्टल ताना और डरवाने के लिए मैंने किया, क्या है इसमें सच? ऐसा है, अब आप ही बताइए, पत्रकार है जो खुद अपने हाथों से पिस्टल लहरा रहा है, फायरिंग कर रहा है, अब उसके बाद में पूछ रहा ही है, उसको जेल में होना चाहिए, जेल में जाएगा और अब उसके बाद बाकी रह गया कुछ? तो क्या लगता है कि वो जेल जाएगा? हाँ जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्या विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है? नहीं है। एफआईआर दर्ज हुआ है क्या? क्या जो तमंचा लहरा रहा है? हाँ हाँ, एफआईआर दर्ज हुआ है। एफआईआर दर्ज हुआ है, 14 लोगों के उधर के हुआ है और इधर इधर भी हमारे परिवार के भी 4-5 लोगों को नाम दे दिए सर। विधायक जी एक छोटी अब अफसोस इस बात का मुझे है और इस काम के लिए हो सकता है मैं दो चार दिन में ही यदि न्याय नहीं मिलता है तो 25-26 के बाद मैं आता हूं और मेरे पास भगवान ने क्षमता दी है, समाज का स्नेह है, मैं किसी भी सांसद के साजिश को सफल नहीं होने दूंगा। न्याय यात्रा जयप्रकाश की धरती से जोराबाद तक करूंगा, इंसान यात्रा न्याय यात्रा करूंगा और राजनीतिक दृष्टि से दिखा दूंगा कि चरित्र के साथ समाज होता है, चोरों के साथ समाज नहीं। आप ही मानते हैं कि पुलिस भ्रष्ट है? पुलिस भ्रष्ट है, बढ़िया, पुलिस भ्रष्ट है, बिल्कुल पुलिस भ्रष्ट है। पुलिस जो माने कप्तान और एक दो अधिकारी को छोड़ दीजिए, जिला अधिकारी और कप्तान एडिशनल एसपी भी हमारे ईमानदार हैं, नहीं तो बहुत सारे अधिकारी ब्यूरोक्रेसी के भ्रष्ट है, इसमें कोई तो नहीं। सरकार निश्चित रूप से मानिए, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि जो है ये किसी न किसी सांसद और हमारी पार्टी के सांसद के इशारे पर इस तरह की बात हुई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अपने चरित्र और ईमान पर और आप अधिकारियों के भी, हमारे वर्तमान अधिकारी जिलाधिकारी और जिला कप्तान, कुछ भी होने वाला नहीं है। अब उसमें दूसरे कोई इन्वॉल्व करना, भी राजनीतिक व्यक्ति को जो गरीब की मदद कर रहा है, तो ये एक तरह से प्रजातंत्र में माने सरासर जो है अन्याय और असंवेदनशील आचरण है। और मैं तो स्थानीय पुलिस को, स्थानीय जो थानाध्यक्ष है, ये घटना का अंजाम देने वाला दिलवाने वाला वही है। अब अफसोस इस बात का मुझे है और इस काम के लिए हो सकता है मैं दो चार दिन में ही यदि न्याय नहीं मिलता है तो 25-26 के बाद मैं आता हूं और मेरे पास भगवान ने क्षमता दी है, समाज का स्नेह है, मैं किसी भी सांसद के साजिश को सफल नहीं होने दूंगा। न्याय यात्रा जयप्रकाश की धरती से जोराबाद तक करूँगा, इंसान यात्रा न्याय यात्रा करूँगा और राजनीतिक दृष्टि से दिखा दूंगा कि चरित्र के साथ समाज होता है, चोरों के साथ समाज नहीं। पुलिस भ्रष्ट है? पुलिस भ्रष्ट है, बढ़िया, पुलिस भ्रष्ट है, बिल्कुल पुलिस भ्रष्ट है। पुलिस जो माने कप्तान और एक दो अधिकारी को छोड़ दीजिए, जिला अधिकारी और कप्तान एडिशनल एसपी भी हमारे ईमानदार हैं, नहीं तो बहुत सारे अधिकारी ब्यूरोक्रेसी। बलिया से ये थी मोमशाद अहमद की रिपोर्ट।